1983 के वर्ल्ड कप की बात की जाए तो उसमें क्रेडिट हमेशा कपिल देव को दिया जाता है, बट जीतती एक टीम है। एक सक्सेसफुल गेमर बनने का यही सीक्रेट है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। गेम में एक प्लेयर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ टैलेंट नहीं टीम होती है। हारने वाली टीम और जीतने वाली टीम के बीच में एक ही डिफरेंस होता है, टेम्परामेंट। जीतने वाली टीम खेलती है सिर्फ जीतने के लिए। आजकल सोते जागते मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, फ्री फायर की वर्ल्ड सीरीज की ट्रॉफी दिखती है। पहले तो मेरे को गेम भी वेस्ट ऑफ टाइम लगता था, लेकिन फिर दोस्तों के कहने पर मैंने गेम स्टार्ट किया। छोटे छोटे टूर्नामेंट्स हम खेले, उस पर परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा रहा। इसके बाद एक बड़ा टूर्नामेंट आया एशिया इन्विटेशनल करके, लेकिन हम लोग क्वालिफाई नहीं हुए, हम लोग टॉप फाइव में आए वहाँ पे। 2020 में हम एक टूर्नामेंट तक क्वालिफाई नहीं कर पाए, पूरा डिमोटिवेट हो गया था। मैं सोचा गेम खेलना ही नहीं है, मेरे को गेम छोड़ दूँ। FFIC वॉज माई फर्स्ट ऑफिशियल टूर्नामेंट एंड इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला फ्री फायर कॉन्टिनेंटल सीरीज में, जिसमें मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं करा था। प्लेन्स में नॉकआउट हो गए थे, 8th आए थे। थोड़ा सा प्रेशर आ रहा था, पीछे चिल्लाते थे था, देन आई गॉट सेपरेटेड। उसके बाद आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्क्वाड। मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट ब्रॉवल बैच था, बाला, मैं, वासियो और फौजी, तो हम जीते। उसके बाद और एक टूर्नामेंट है फ्री फायर इंडियन चैम्पियनशिप 2020, तो उसमें चैम्पियंस बने थे। फिर उसके बाद कुछ रीजंस के वजह से वासियों ने पहले टीम छोड़ा, फिर मैंने टीम छोड़ दी। 2018 में हमने गेम स्टार्ट किया, सडनली एक एशिया इन्विटेशनल टूर्नामेंट आया, उसमें हमने टीम बनाई, मैं, गुरकीरत, वासियो एंड ऋतिक। तो फर्स्ट टाइम था हमारे लिए, तो हम लोग अच्छा नहीं खेल पाए। हार का दुख इतना नहीं था जितना लोगों ने हमें ट्रोल किया था, उसका हमें दुख हुआ था। एक टाइम था कि हम लोग सभी ने डिसाइड किया कि स्पोर्ट्स में अब हम नहीं खेलेंगे। गुरकीरत कनाडा चला गया, हमने भी गेम छोड़ दिया, बस वासियो खेलता रहा। और वासियो का एक दिन मुझे कॉल आया। सबसे पहले वासियो के बारे में पता चला जब वो ग्लोबल गया था, 2019 में इंडिया को रिप्रेजेंट करा था, सबसे फेवरेट प्लेयर थे। लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज़ ये होती है कि आपको दूसरा मौका मिलता है। मैंने वासियो को कॉल किया, वासियो ने बोला वो एक टीम बना रहा है। वासियो को तो मैं पहले से जानता था, लेकिन वो टाइम पे वासियो साथ मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। वासियो भाई वॉज इन कॉन्टैक्ट फ्रॉम लाइक पास्ट 1 to 1.5 years। तो उसको ऐसा है कि लाइक मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, मैं ऑलरेडी 2 LAN इवेंट खेल चुका हूँ, एक बार इंटरनेशनल खेल चुका हूँ, तो प्रेशर हैंडलिंग वगैरह मैं कर सकता हूँ। तो वासियो को पूछा मैंने कि टीम में स्पेस है क्या, तो वासियो बोला हाँ जगह है। तो अमन तो मेरा पहले से बहुत अच्छा फ्रेंड था, जब मेरी अमन से बात हुई। जब स्क्वाड बने तब मेरे को पता नहीं था उस स्क्वाड में कौन कौन था, फिर मेरे को पता लगा स्क्वाड में जो था वो रियल लीडर था वासियो। एक इंटरनेशनल लेवल की टीम बनाना इतना आसान नहीं होता। बेसिकली वर्ल्ड सीरीज के लिए तो मैं प्लेयर्स ढूंढ रहा था, मेन था कि गुड लिसनर्स हो, कि उनको एक बार बोला तो वो अपनी गलती वापस ना करें। और बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाई जो वर्क कर रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं वर्क करती, बट देन इंटरनेशनल लेवल के लिए अगर प्रिपेयर करना हो तो ये स्ट्रेटजीज वर्क नहीं करेगी। आप दूर दूर बैठ के खेल रहे हो तो इतना कंफर्टेबली एक दूसरे को वो सब चीज़ें नहीं बता पाओगे कि यहाँ पे एनिमीज है, ये करो वो करो। जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स के पास था वो हमारे पास नहीं था। फाइनली वो चीज़ जो इंटरनेशनल प्लेयर को मिली है वो चीज़ हमें यहाँ पे बूट कैंप में मिली। दिसंबर मिड में हमें GXR से ऑफर्स एंड ऑल आई, देन वी जॉइंड GXR। हमारे और गाया और हम यहाँ पे बूट कैंप पे आए, सब साथ में बैठ रहे हैं, एक दूसरे को डिस्कस कर रहे हैं कि इस स्ट्रेटजी का ये प्रॉन्स है, ये कौन से। जो कोऑर्डिनेशन है, जो कम्युनिकेशन है, वो जो गैप होता है तो वो बूट कैंप से दूर हो जाता है। तो उसमें आप तुरंत बता सकते हो तू यहाँ पे गलतियाँ कर रहा है, इसको सुधार दे। 10 बजे से प्रैक्टिस मैचेस स्टार्ट होते हैं सभी टीम्स लोगों का, तो उससे पहले हमारा ऐसा होता है कि सभी प्लेयर्स जल्दी उठते हैं और अपना अपना प्रैक्टिस करते हैं। फिर 3:30 बजे से अराउंड एक और स्क्रीम स्टार्ट होती है और 6 बजे से हमारी टूर्नामेंट्स रेगुलरली स्टार्ट हो जाती है, तो 11:30 बजे तक अराउंड खत्म होती है। सोलो इंडिविजुअल गेम प्ले सबका होता है, बट एज अ वो जब टीम आते हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे पे भरोसा बढ़ने लग गया, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं एक दूसरे को और साथ में रह रहे हैं, खाना पीना सब साथ में, तो एक भाईचारा भी बढ़ने लगा। तो इन गेम अच्छा एक इफेक्टिव रहा कि हम एक दूसरे को
बिना कॉल दिए कि यहाँ पे बंदा है वहाँ पे बंदा है, वो समझ जाते हैं कि अच्छा यहाँ इसको यहाँ से शायद से पड़ सकती है ये वो, तो वो चीज़ें भी एक अच्छी होने लगी। पूरा ऊपर वाला है होल्ड करना है, आ जाओ यहाँ पे आप दोनों को जा रहे हैं जैसे जब भी रेस्ट करता हूँ मतलब मैं आगे ही रहता हूँ और मेरे को जाके 1v4 क्लच तो करना ही होता है मेरे को, लेकिन मैं सामने वाले का 2 या 3 बंदे डाउन तो करता ही हूँ। गोल्डन मेरे साथ पहले से है और इन गेम वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, अगर उसके सामने प्लेयर्स आए तो वो 110% उसको नॉक करेगा, तो क्लोज रेंज बहुत बढ़िया है, तो हमारी टीम का रशर है। और बादशाह बहुत थोड़ा शांत है, कुछ ज़्यादा बोल दिया गलती कर दिया ऐसे लो हो जाता है, तो वो उसका वासी भाई ऑलराउंडर, लीड भी कर लेते हैं, सॉल्ट भी कर लेते हैं, स्नाइपिंग भी कर लेते हैं, कभी डिमोटिवेट नहीं होता और ना ही टीम को होने देता है। वो जो लीड करता है ना ओपी वाली लीड करते हैं, मतलब वो उसकी लीड होती है वो पूरी अलग ही लेवल की होती है। स्टार्टिंग में हमारा थोड़ा परफॉर्मेंस लो भी होगा लेकिन फिर कैसे कम बैक करना है वो पता है हमारे को। अगर हम ये वर्ल्ड कप जीतते हैं तो शायद से ऐसा होगा कि जो 1983 में टीम इंडिया क्रिकेट इंडियन टीम ने जो किया था, इंडिया में एक रेवोल्यूशन लाया था क्रिकेट के लिए, तो शायद से वो रेवोल्यूशन हम लेके आएंगे। जिसके पास नेटवर्क नहीं है अच्छा, डिवाइसेस अच्छे नहीं है, वो लोग भी फिर सपने देखने लगे कि वो लोग भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी जीत सकते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर बना सकते हैं स्पोर्ट्स में, तो इन सपनों को उड़ान देना अब हमारे कंधों पर है। So hard, this my yard, I won't be giving up at the start. Seeing struggles like, oh my god, still I'm standing here. Ain't no sex up with a lid. Get a hit shot, you can complete with it. En tu mente como una locura. Te pega la bala like booyah. तो जस्ट मैसेज आया कि फ्री फायर इंडिया का कि हम सिंगापुर नहीं जा रहे हैं क्योंकि सिंगापुर गवर्नमेंट ने मतलब इंडियंस को रिस्ट्रिक्शन लगाया, तो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पा रहे हैं। बट लाइक है कि अभी इतना ज़्यादा चीज़ें देखे लाइफ में अप एंड डाउन, तो शायद से हो सकता है कि हमारे हाथ में कुछ चीज़ें नहीं होती, उसमें से एक ये चीज़ थी। और हम वासियो बहुत हम्बल है, काफ़ी प्लान्ड है, बढ़िया स्ट्रेटजीज बनाता है जो हम सोच भी नहीं सकते। होमवर्क जिस चीज़ का करके जा रहे हैं वही तो टेस्ट में इंप्लीमेंट करें, कभी डिमोटिवेट नहीं और ना ही टीम को होने कैसे कम बैक करना है वो पता है हमारे। इस बार हमारा लक थोड़ा ख़राब था, कह सकते हैं कि बैड लक है, बट कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, गेम अभी भी वही है, हम और प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट ईयर और हमें एक मौका मिलेगा, हम उसमें अच्छे से परफॉर्म करेंगे। और पता है आप सभी को कि हम कमबैक के लिए जाने जाते हैं, तो इसमें भी हम कमबैक करेंगे। ये डबल डोर वाले 2 स्क्वाड है, वहाँ पे एक ब्लैक कार है, यहाँ पे